तो दान को कितने काम को छोड़ करके करना चाहिए। श्रुति ने कहा 100 काम छोड़ करके भोजन कर लिया, 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लियो, लेकिन जब दान का नंबर आए तो लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़कर पहले दान कर दो। 1,00,000 काम छोड़ दो, समय आ गया कोई दान राशि लेने के लिए, कोई भिक्षुक हमारे घर पे आ गया, द्वार पे आ गया, क्या करे? बोले जो काम हाथ में है उसको छोड़ दो, पहले उसको दान दे दो। कहते हैं जितनी देर वो आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक खड़ा रहता है वो उतनी देर आपके पुण्यों का हरण करके ले जाता है, और यदि खाली चला गया तो फिर तो गए काम से, खाली कोई न जाए। 1,00,000 काम छोड़कर के दान दियो। अब दान स्नान से भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि भोजन 100 काम छोड़ करके, तो भोजन से महत्वपूर्ण तो स्नान है, भोजन बात की बात है। हम बहुत बचपन में जब हमारे क्षेत्र के पंडित जी के साथ जाते थे तो वो कहते थे बेटा एक बार खाना नहीं मिले तो कोई बात नहीं, खाना खाए बिना चल जाएगा पर नहाए बिना नहीं चलेगा, नहा पहले लेना। तो खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहाना, और नहाने से ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये 1,00,000 काम छोड़ करके 10-10 गुना का डिफरेंस है इनमें, वो 100 पे है ये 1,000 पे, स्नान 1,000 पे हो गया तो 10 गुना हो गया कि नहीं, और 1,000 से 10 गुना 100 गुना लक्ष्यम विहाय दातव्यम। तो 1,00,000 काम छोड़ करके दान करिए, ये नित्य प्रति में हो आपके जीवन में, जो भी आपके पास देने के लिए है वो दान करिए, चाहे एक मुट्ठी अनाज ही क्यों ना हो, अरे वो भी नहीं है तो एक लोटा जल ही क्यों ना हो ये भी चलेगा। अरे किसी को मीठे शब्दों का भी दान दिया जा सकता है, आपके पास पैसा धेला नहीं है तो 2 बोल मीठे भी किसी को दान किए जा सकते हैं, किसी को प्रेम दान दिया जा सकता है। धन संपत्ति की ही बात नहीं है, वो ना हो कोई बात नहीं। अरे हमारे यहाँ के महापुरुष तो कितना दान, कर्ण जैसा महादानी कौन होगा जो नित्य प्रति दान करता था, उसको तो यह पता था कि ये कवच मैंने दे दिया तो मैं बच नहीं पाऊंगा, पर आ गए मांगने के लिए सुबह सुबह में, कह दिया कवच दे दो तो उतार करके दे दिया, ले जाओ खाली हाथ नहीं जाएगा मेरे द्वार से, जो मांगोगे वो देंगे। इसलिए दान आपके दैनिक जीवन में होना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन की शुद्धि कही गई, दान देने से धन शुद्ध होता है। बहुत बटोरने वाले के यहां धन में भी विकृतियां आ जाती है, दोष आएगा आपके यहां, यदि बहुत बटोर कर रखा है उसमें से दिया नहीं गया। इसलिए एक महापुरुष ने कहा कि जो जल बाड़े नाव में, जैसे आप नाव में यात्रा कर रहे हो, कहीं नदी पार कर रहे हो और उसमें पानी भरा है, तो उसने कहा जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। थोड़ा थोड़ा देते रहिए, और जो दिया है उस पर कभी अभिमान मत जताइए कि हमने इतना दे दिया, कभी कहिए मत उसको, तो कभी जिह्वा पर लाना ही नहीं कि हमने दिया है ना, भूल जाओ कि हमने कभी दिया होगा तो शायद पता नहीं है। आजकल तो दान राशि माइक पे अलाउंस होती है महाराज, कल तो ऐसी चर्चा चल रही थी कथा के बाद, हम बैठे थे शाम को भोजन के बाद, तो कह रहे थे कि दान देने वालों में भी गुप्त दान देता, वो भी नाम बुलाता है कि मांगीलाल की तरफ से गुप्त दान लियो, हरी मांगीलाल गुप्त दान दे रहा है। रहीम जी दान करते थे रोज, तो जब भिक्षुकों को दान देते थे तो शीश झुका लेते थे अपना देते समय, तो तुलसीदास जी ने देखा कि ये रहीम जी ऐसे दान दे रहे हैं, अरे देने वाला तो क्यों क्यों नीचे नैन,
जैसे जैसे तुम देने के लिए हाथ उठाते हो तो आंखें झुका लेते हो, गर्दन झुक जाती है, तुम्हारी क्या बात है? अरे देने वाला तो शीश ऊपर करके देता है कि हमने दिया है। तो रहीमदास जी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं और क्या कहते हैं तुलसीदास जी को पत्र लिख करके कि देनहार कोई और है, मैं नहीं देता। तुलसीदास जी, मैं तो बांटने वाला हूं, भेजने वाला कोई और है। मुनीम हूं मैं तो, सेठ कोई और है। मुझे मिला है कि आपको इतना बांटना है, क्या करना मुझे, अपने पास से थोड़ी दे रहा हूं। रहीमदास जी कहते हैं देनहार कोई और है, वो भेजत दिन रेन, लोग भरम हम पे करे या ते नीचे ने। ये लेने वाले ऐसा भरम समझते हैं, इनको ऐसा भ्रम हो गया है कि रहीम के पास बहुत संपत्ति है, बांटना है, पर देने वाला तो कोई और है, मैं नहीं देता। वो भेज रहा है, मुझे बांटने में क्या जा रहा है, मैं तो निमित्त बनकर के दे रहा हूं। इसलिए कभी दे करके अभिमान न करें किसी भिक्षुक को, क्योंकि आपके द्वार पर आया हुआ भिक्षुक आपको बोध करा रहा है। बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे, कि तुम्हें दिया है ईश्वर ने तो दो। वरना तो दाता ऐसे ऐसे भी होते हैं। एक जगह मंदिर का कार्य निर्माण का चल रहा था तो पूरे गांव वालों ने चंदा दिया। गांव में एक कंजूस व्यक्ति था बड़ा, कभी फूटी कोड़ी उसने कहीं किसी धार्मिक आयोजन में नहीं दी, किसी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं दिया उसने। तो लोग गए उसके पास समिति के, बाबूजी मंदिर बना रहे हैं गांव में राम जी का, सब लोगों ने कुछ ना कुछ, आपकी कुछ इच्छा है? अब लोगों को भरोसा तो था कि ये देगा तो है नहीं, पर फिर भी चलो एक बार पूछ ले, नहीं तो बाद में ये कहे क्यों हमारे पास नहीं आए, तो हमारा भी मन था देने का, कहा नहीं चलो एक बार पूछ तो ले इससे। लोग गए समिति के, उससे पूछा बाबू जी आप कुछ देना चाहेंगे? बाबू जी ने कहा बिल्कुल मैं दूंगा, आओ बैठो। लोगों को आश्चर्य हुआ जो गए, वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे कि इसने कभी जिंदगी में फूटी कोड़ी तक ना दी कहीं आज देने के लिए। तो बाबू जी कितना लिख ले इस डायरी में? डायरी में क्यों लिख रहे हो, मैं चेक दूंगा आपको। तो बाबू जी कितना का? 1,51,000 मेरी तरफ से। आंखें फटी रह गई सुनने वालों की, कोड़ी तक दान न करी जिसने फूटी, वो 1,51 दे रहा है। लोग बड़े प्रसन्न है कि बस 1,51 इनसे मिल गए, थोड़ा चंदा हमारा हो गया, मंदिर निर्माण हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। बाबू जी ने चेक भर करके दे दिया महाराज, लेने वाले प्रसन्नता से भर करके बैंक पहुंच गए। महाराज लीजिए चेक, क्लियर करिए इसको। मैनेजर ने देखा तो चेक के ऊपर सिग्नेचर नहीं था, दस्तखत नहीं थे। तो लेकर के आए, मैनेजर ने कहा इस पर दस्तखत तो है ही नहीं, अब ये चेक क्लियर नहीं होगा, ले जाओ पहले इसको सिग्नेचर करा के लेके आओ। तो बाबू जी के पास लेकर के आए, कहा बाबू जी आपने दस्तखत करना भूल गए? अरे भूला थोड़ी हूं। बोले फिर? बोले मैंने तो गुप्त दान किया है, ले जाओ, दिया मैंने। गुप्त दान में नाम नहीं लिया जाता, मैं तो गुप्त दान कर रहा हूं, 1,51 दिए हैं मैंने, अब तो ले जाओ। बोलो ऐसे ऐसे दानी भी हैं, दिया 1 रुपया नहीं, 1,51,000 का नाम और करवा लिया, कि इतना दिया हमने तो गुप्त दान में। सच मानिए समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, धर्म के हित में भी उसका पैसा लगता है जिसका परमात्मा लगाना चाहता है, वरना कोई लेकर के भी आए तो वापिस ले जाएगा, क्योंकि भगवान चाहता ही नहीं किसका लग रहे, कभी लगता भी उसका है जिसका ईश्वर चाहता है। वरना तो एक जगह कहीं सत्संग चल रहा था, सत्संग की समाप्ति हुई, सब लोग आरती के पश्चात कहीं पंडित जी जो बैठे पुराण उराण पे कर रहे थे प्रवचन, उनके पास जा कुछ श्रद्धा अनुसार चढ़ा रहे थे। एक कंजूस वहां भी बैठा, उसने सोचा सब चढ़ा रहे हैं भरी सभा में, हमारा अपमान होगा, हम नहीं जाएंगे तो क्या करें। बोले कुछ तो चढ़ाना पड़ेगा, जो कि आज फंस गए हैं सत्संग में आकर।
बड़ी मुश्किल से एक घंटा विचार करने के बाद उसने कोट की जेब में हाथ डाला, सो एक रुपए का सिक्का निकाला। गर्मी का समय महाराज, अब सब लोग आ रहे थे तो वो धीरे धीरे उसको उस सिक्के को ऐसे मुट्ठी में बंद करके और चला सबके पीछे पीछे धीरे धीरे। गर्मी का समय, धीरे धीरे जब तक वो वहां मंच तक आया तब तक हाथ में पसीना आ गया सिक्के पे। सो उसने सोचा कि अब ये सिक्का मुझसे दूर जा रहा है, आखिरी बारी से इसको देख तो लूं कम से कम, क्योंकि ये इसको आज तक मैंने कभी छोड़ा नहीं है सिक्के को, तो देख लूं। और जैसे ही देखा तो पसीने में लथपथ था सिक्का। सो बाबू जी क्या बोला, राम 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 राम, मेरे बिछो का इतना दुख तुझे, तू भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहता, इतना रो रहा है, आंसुओं में गीला हो गया, और तेरी यही इच्छा है तो जा, मैं भी तुझे मेरे से दूर कभी नहीं करूंगा। और रख लिया जेब में, वो चला, चाहता ही नहीं ईश्वर की इसका लगे। ईमानदारी का आया हुआ धन सत्कार्य में लगता है।